साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि देवी माँ दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व है। नवरात्रि पर पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों की विशेष पूजा अर्चना होती है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर लखनऊ से है और दूसरी कानपुर से है, जहाँ आज नवरात्र का तीसरा दिन है और बड़े ही भव्य तरीके से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों की मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। आज नवरात्र के तीसरा दिन माँ दुर्गा के माँ चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा को माँ दुर्गा का बेहद सौम्य और तेजवान रूप माना जाता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने से जातक को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से जीवन में चल रही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। वहीं इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी भक्त माता के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, सुबह से ही भक्त माता की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, जिसके चलते मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हम आपको नवरात्रि की ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? जी मयूरी, बता दें आपको, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और इसमें देखा तो जो माँ है वो चंद्र घंटा के रूप में आज जो लोगों को जो आशीर्वाद देती है उनका जो रूप है वो चंद्र घंटा का है। और उसके बाद जो क्योंकि आज माता है वो उन्होंने जो है असुरों का वध किया था और वध करने के बाद जो है इनका जो जब वापस आई थी तब इनको जो है भोग के रूप में जो है मिठाई चढ़ाई जाती है और मीठे के रूप में आज इनकी जो है जो भोग लगाया जाता है मीठा। उपेंद्र, मंदिर में कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, मंदिरों में जो देखा है तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है पूरी तरीके से, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है कि जो नवरात्रि को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था उनको चाक चौबंद रहनी चाहिए। और बात रही भक्तों की, तो भक्तों का आना जाना लगातार उनको जारी है, भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लगातार चलते जा रहे हैं। उपेंद्र, आपके आसपास क्या कोई भक्त हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें? जी मयूर, आपको दिखाते हैं कि चल के आगे दिखाई जो जिस मंदिर में हम चल रहे हैं, ये मंदिर जो है कानपुर का ऐतिहासिक मंदिर है क्योंकि जंगली देवी के नाम से मंदिर जाना जाता है और यहाँ पर जो आदमी की जो मनोकामनाएं वो पूरी पूर्ण होती हैं। अब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि माता के दर्शन आपको सीधे दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से लोग जो है अपनी आस्था से जो है माता रानी सामने आते हैं, प्रकट होते हैं और जो उनके जो साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो माता के जो पूरे दर्शन जो है वो बिल्कुल देखिए आपको दिखा रहे हैं कि माता के दर्शन बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो माता के जो भक्तों से कि जब माता जो चेहरा है वो अगर रंग परिवर्तित होता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमारे साथ जो है पुजारी जी जुड़ेंगे हमारे साथ में, पुजारी जी से बात करना चाहेंगे। आइए देखिए पुजारी जी, क्या नाम है आपका? पुजारी जी, राम जी, ये बताइए कि जो आज जंगली देवी मंदिर है, इस मंदिर पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं और किस तरह से मनोकामनाएं पूरी होती है? लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ लोगों ने मैया ने काफी लोगों की श्रद्धा, काफी लोगों ने मनोकामनाएं पूर्ण की है। यहाँ से देखी जाती है मैया को शाम को लोगों की भीड़ में, आदमी नारियल चढ़ाता है, पान चढ़ाता है, काफी लोग चढ़ाते हैं, काफी लोगों की समस्या, काफी लोगों ने अच्छे से अच्छी नवरात्रि में सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। आज माँ का तीसरा दिन है, इसका माँ चंद्र घंटा को लेते असुरों का वध किया माँ ने और इसमें जो भोग है वो मिठाई के भोग लाया जाता है। इस पर किस तरीके से लोग पूजा विधि विधान से पूजा करें जिससे लोगों को लाभ पहुंचे और माँ का आशीर्वाद मिले? इसमें जैसे मान लो मैया को चोला है, वस्त्र है, प्रसाद है, लौंग कपूर है, इलायची है, चुन्नी है, सब हो गए, इन सब चीजें लगा के मैया को प्रसन्न करके फिर मैया को भोग लगाया जाता है। केला है, शाम को हमारे यहाँ आरती के बाद केला है, चना है, हलवा है, तमाम प्रकार के सिवाय हलवा वाली वो आज ही जगह वितरण किया जाता है। तो मैया को सभी लोग प्रसाद करके अपने अपने मनोकामना सिद्ध करके, कोई नारियल है, भोज पत्र है, काफी लोग उनके ताम पत्र है, अर्जी है, श्रृंगार है, काफी लोग उनके हम मैया से होते हैं होता है। पुजारी जी के साथ कह रहा है कि जो मंदिर है, इस मंदिर पर जो है कि पूरी तरीके से जो है जो 16 श्रृंगार का जो है लोग औरतें चढ़ाती हैं
और उसके बाद अक्षत हुआ, पान हुआ, अपने अपने मनोकामना पूर्ण के लिए अपने अपने तरीके से भोग लगाते हैं माता को। उपेंद्र, आज नवरात्र का तीसरा दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मेरे भक्तों को बिल्कुल लगातार तांता चला आ रहा है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं जो लोग हैं, इससे पहले भी देखा है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो रही है और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर देखा है तो भक्तों को ज्यादा देर रोका नहीं आ रहा है मंदिरों में, और भक्तों को लगातार बिल्कुल जारी के आगे चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हमारे साथ भक्त है, भक्त से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा। अर्चना जी, आप जिस मंदिर पे आई है माता रानी के समक्ष आई है, किस तरीके से मनोकामनाएं पूरी करती है माता रानी? माता रानी से सच्चे मन से जो भी आप प्रार्थना करें पूरी करती है, इसीलिए भक्तों की निष्ठा है, वो बार बार आते हैं। इस मंदिर में जंगली देवी मंदिर है, इसमें क्या विशेषता है जो आप यहाँ दर्शन करने आती हैं? यहाँ पर विशेषता ये कि अनुशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत स्वच्छता है, कोई भी भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की वाला माहौल नहीं है। अगर देखा है तो साफ सब कहना है कि लोग भक्तों का की अनुशासन व्यवस्था बहुत है, साफ सफाई के मामले में मंदिर प्रशासन बहुत सक्रिय है। जी, तो हमारे संवाददाता कानपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। बता दें आज नवरात्र का तीसरा दिन है, जहां बड़े ही भव्य तरीके से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। उपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व है। नवरात्रि पर पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और माता के इस दिन विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर लखनऊ से है, दूसरी कानपुर से है। जहाँ पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहाँ माता का बड़े ही भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है, उनको सजाया गया है और भक्त बड़ी संख्या में माता की पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर से है, जहाँ आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लोग सुबह से ही माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुँच चुके हैं। बता दें माँ चंद्रघंटा को माँ दुर्गा का बेहद सौम्य और तेजवान रूप माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से जातक को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में चल रही सारी परेशानियां दूर हो जाती है और माता का विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सभी भक्त माता के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं, जिसके चलते मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आप दो तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। बता दें माता के 9 दिन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ भक्त पूजा अर्चना करते हैं और माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, नवरात्र का आज तीसरा दिन है, आप प्रयागराज में मौजूद हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है आज? मैं बता दूं आपको, आज नवरात्र चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना चल रही है। आप देख सकते हैं आज मैं प्रयागराज के जिसमें पुराणों में जिक्र है इस मंदिर का, माँ कल्याणी देवी का ये प्रांगण में मैं इस समय खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अंदर मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि दिखाएं कि अंदर जिस तरीके से माँ की अंदर पूरा पूजा आराधना चल रही है। ये माँ कल्याणी का मंदिर है और कहा जाता है कि त्रेता युग में महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा इस मूर्ति की 3400 अंगुल ऊंची माँ की मूर्ति की स्थापना की थी, तो तब से ये पूजा अर्चना चली आ रही है। और ये भी बता दें कि ये जो यहाँ के पुरातत्व है उनका अनुमान है कि लगभग 1500 वर्ष पुरानी ये यहाँ की मूर्ति है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के कल्याणी देवी के महंत पुजारी श्याम जी महाराज जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे इस मंदिर की क्या प्राचीनता है, क्या विशेषता है। जी महाराज जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। महाराज जी, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और जिस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, किस तरीके से यहाँ पे कितना प्रसिद्ध मंदिर है, तो कितनी शक्तिपीठ इसे कहा जाता है, तो क्यों, क्या कारण है? प्रयाग की गौरवमय अधिष्ठात्री शक्तिपीठ माँ ये कल्याणी कहलाती हैं। ललिता पीठ है जो कि प्रयाग में ये भक्तों के कल्याण से कल्याणी के नाम से पुकारी जाती हैं। यहाँ पर भगवान शिव की स्त्री सती की अंगुलियां गिरने के कारण ये स्थान शक्तिपीठ कहलाता है और जहां जहां पर सती की अंगुलियां गिरी हैं, अंग गिरे हैं, वो कहलाती है। शक्तिपीठ माँ कहलाती हैं। ये महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा प्रतिष्ठित है माँ की प्रतिमा और भारद्वाज मुनि की अधिष्ठात्री है माँ।
अब यहीं पर क्यों उंगलियां गिरी, इसका प्रमाण भी जो है हमारे कई पुराणों में दिया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, प्रयाग महात्म के 76वें अध्याय में भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि तस्योत्तरीयस्ते ललिता कल्याणी तच गीते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वे साम सर्वकामदा। इसका भौगोलिक आधार भी प्रयाग महात्म दिया है कि सूल टंकेश्वर के ठीक उत्तर में ललिता है जो कि प्रयाग में कल्याणी के नाम से गाई जाती हैं, जिनके दर्शन एवं पूजन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पुराणों में इनका जो वर्णन है उस आधार पर ये शक्तिपीठ है माँ कल्याणी। पुरातत्व विभाग इनकी प्राचीनता को दर्शाता है। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद काला की टीम आई थी, उन्होंने कार्बन डाटा के माध्यम से माँ का जब काल निकाला तो बताया कि लगभग ये तो 1500 वर्ष प्राचीन, उससे भी प्राचीन ये प्रतिमा माँ की है। तो इसी ये दर्शाता है कि पूरे प्रयाग में इतनी प्राचीन प्रतिमा आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। महाराज जी, ये जिस तरीके से आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो किस तरीके से यहाँ भक्तों की भीड़ है, क्या किस तरीके से आज की पूजा अर्चना है, और मंदिर का जो रोजाना का किस तरीके का श्रृंगार माता का होता है, क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं, किस तरीके से पूजा अर्चना होती है? देखिए, तृतीयम चंद्र घंटे, आज चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्र घंटा के स्वरूप में भक्तों के दर्शन प्रदान करती है। नवरात्र पर हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह और शाम दोनों समय से चंडी पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के अलावा यहाँ नवान मंत्र का जप होता है, माँ का अभिषेक होता है और नाना प्रकार के ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर अनुष्ठान बैठता है, कलश स्थापन होता है। साथ ही 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ अपने भक्तों को विशेष श्रृंगार दर्शन प्रदान करते हैं। भव्य दर्शन सायंकाल शाम को 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक भक्तों को प्राप्त होता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ ही माँ का दर्शन पूजन के लिए पट खुलता है। तत्पश्चात ये कार्यक्रम 2 बजे तक चलता है। उसके बाद माँ का महाभिषेक होता है, फिर श्रृंगार होकर भव्य दर्शन श्रृंगार प्राप्त होता है। बाकी दिनों में यहाँ की मान्यता ये कि सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और सोमवार माँ का विशेष दिन होता है, जिसमें लोग विशेष रूप से अपने पूजन अर्चन करते हैं। डेहरी पूजन है, मुंडन है, कर्ण छेदन इत्यादि कार्यक्रम होता है। नित्य यहाँ पर 365 दिन सुबह और शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है और जो भी अनुष्ठान भक्त कराते हैं, पूजन अर्चन कराते हैं, उनको हमारे वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर एक मनोकामना कुंड भी है, जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धागा बांधते हैं और माँ का जब आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह यहाँ पर श्रृंगार आदि कराते हैं। तो श्रृंगार की भी यहाँ पे काफी मान्यता है। भक्त लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होने के बाद माँ का श्रृंगार दर्शन करते हैं, करवाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि महाराज जी ने बताया यहाँ पे लोगों की क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर को लेकर, मैं यहाँ पे भक्त श्रद्धालु जा रहे हैं, मैं उनसे बात करते हैं। तो आज चैत्र का तीसरा दिन है, माँ चंद्र घंटा का, तो किस तरीके से आपने पूजा अर्चना की, माँ से क्या अपने लिए मनोकामना ली? माँ से हम क्या मांगेंगे, माँ अपने आप सबको दे देती है। वही माना जाता है कि जितने सिद्ध पीठ है हिंदुस्तान में उसमें से एक सिद्ध पीठ हमारी माँ ललिता मैया भी है। इलाहाबाद में 3 सिद्ध पीठ माने जाते हैं, एक लोभी मैया, कल्याणी मैया और ललिता मैया। हिंदुस्तान के पूरे विश्व में अकेला शहर होगा जहाँ 3 सिद्ध पीठ होंगे, वरना एक से ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। आप जिस तरीके से देखें, यहाँ श्रद्धालु भी कहते हैं कि जो प्रयागराज है यहाँ पे 3 सिद्ध पीठ मंदिर है, और यहाँ पे अंदर आपको अंदर की दृश्य दिखाते हैं जहाँ पे मूरत है, हम आपको वहाँ का दर्शन कराएंगे। किस तरीके से यहाँ पे 34 उंगल वाली प्रतिमा रखी है, आप देख सकते हैं कितनी प्राचीनता है, जिसको बताया जाता है कि 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है लगभग, जो पुरातत्व के अनुसार ये बताया जाता है कि 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है। जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेके माँ के पास आ रहे हैं, कोई नारियल का भेंट चढ़ा रहा है तो कोई माँ को सिंदूर, कोई चूड़ी, कोई देखा जाए 16 श्रृंगार माँ को यहाँ पर पूरा का सामान चढ़ाया जा रहा है, और अलग अलग महिलाएं अपनी अपनी मनोकामना लेके कोई सुख समृद्धि के लिए, कोई अपने पति की लंबी आयु के लिए, कोई अपने बच्चे की सुख समृद्धि के लिए, अलग अलग लोग यहाँ पे आकर अपनी अपनी कामना कर रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, यहाँ पे हम बड़े महाराज जी से भी बात करेंगे। महाराज जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। नवरात्रि का तीसरा दिन है, किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना चलिए और प्रांगण में किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या अनुष्ठान है?
आज नवरात्र का तृतीय दिवस है। आज भगवती दुर्गा की चंद्रघंटा स्वरूप का दर्शन पूजन श्रृंगार होता है। बसंती नवरात्र में माँ के यहाँ अनेक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं। सचंडी महायज्ञ, राम कथा, भजन इत्यादि, सायंकाल माँ का भव्य श्रृंगार और अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन होता है। माँ कल्याणी के नाम ही कल्याणकारी है। इनके दरबार में जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से आता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, तंत्र शिवरामणि इत्यादि ग्रंथों में सभी में इनका उल्लेख है। ये प्रयाग का अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि अत्यंत प्राचीन मंदिर हो पुराणों में जिसका लेख भी मिलता है और जो भी यहाँ पे मनोकामना लेके आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी सच्चे हृदय से माँ से मांगता है वो जरूर यहाँ पे पूरी होती है। एक चीज और बता दी, इस बार सरकार की तरफ से नौधा तरीके का कार्यक्रम चालू हुआ है, पहल की गई है। जो भी यहाँ पे प्रदेश भर के सिद्धपीठ और भी दुर्गा मंदिर है तो वहाँ पे भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो कार्यक्रम को रखा गया। क्या किस तरीके का कार्यक्रम है ये महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी, सरकार की तरफ से ये पहल करी गई है और किस तरीके से ये पहल है और क्या कहेंगे इसके लिए? कि भारत सरकार द्वारा जो ये पहल है मंदिरों में सुंदरकांड, अखंड रामायण और भजन आज संध्या का कार्यक्रम, तो उसी क्रम में यहाँ पर शक्तिपीठ माँ कल्याणी के धाम में रामनवमी के उपलक्ष्य में कल्याणी देवी पार्क में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। लोकगीत है और नाना प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम माँ कल्याणी के धाम में रखा गया है। जिस तरीके से देखा जाए कि नवरात्रि के दिन में काफी भीड़ होती है, भक्तों की काफी भीड़ होती है, हजारों की संख्या पे लोग यहाँ पे आते हैं, तो महाराज जी सुरक्षा के लिए दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके के यहाँ पे सुरक्षा दृष्टि से किन किन तरीके का इंतजाम रखा गया है? सुरक्षा की दृष्टि से माँ कल्याणी के प्रांगण हमारे स्वयं के वॉलेंटियर होते हैं कार्यकर्ता, जो की काफी अनुभवी है, वो अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संपन्न कराते हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। महिला पुलिस की भी यहाँ पर ड्यूटी लगती है जो कि महिलाओं के देख रेख में वो लगती हैं, और साथ ही जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर सुरक्षा के पूर्ण दृष्टि से ध्यान रखते हुए सभी लोगों को सकुशल दर्शन संपन्न कराते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पे एक डिजिटल सेवा चालू करी गई है मंदिर की ओर से। जो भी भक्त यहाँ पे नहीं आ पाते, जो दिव्यांग हैं, वो घर बैठे ही यहाँ पे माँ के वेबसाइट से जोड़कर यहाँ पे अपनी सप्तती पाठ या कन्या पूजन किसी तरह का अनुष्ठान करा सकते हैं। तो क्या ये पहल किस लिए करी गई, क्यों करी गई? देखिये, माँ कल्याणी का धाम बहुत प्राचीन है। यहाँ पर बहुत से ऐसे ऐसे भक्त रहे जो बचपन भर से यहाँ पर रोज दर्शन पूजन करते आ रहे हैं, और वो आज कभी कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई पूना में है, कोई बॉम्बे चला गया है, और ऐसे प्रमुख पर्वों पर उनको माँ की याद आती है, तो वो यहाँ पर हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ का दर्शन करवा दीजिए, किसी माध्यम से उनकी आरती हमें दिखवा दीजिए, किसी पूजा के लिए हमको करवा दीजिए। तो उसी क्रम में ये विचार रखा गया कि जो भी बाहर है भक्त वो नहीं आ सकते हैं, उनको माँ की याद आती है, उनको अपने बचपन की याद आती है कि हम अपना यहाँ घंटा बजाते थे, कभी निगाड़ा बजाते थे, आज हम उनसे वंचित है। इन सभी चीजों को भक्तों का ध्यान में रख के यहाँ पर डिजिटल सेवा का वो रखा गया कि जो भी भक्त यहाँ पर पूजन अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन संकल्प लेके माँ के दरबार में कुशल वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन संपन्न करा सकते हैं, और माँ का दर्शन हम यहाँ से उन लोगों को ऑनलाइन दर्शन करवाते हैं, आरती का दर्शन कराते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा पूरे हिंदुस्तान में 360 मंदिरों को चुना गया है, जिसमें कि माँ कल्याणी को भी इंगित किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक यहाँ पर कैमरा लगा है, टेम्पल 360। क्रोमो में, यूट्यूब में आप जाएंगे, टेम्पल 360 डायल करेंगे तो माँ का लाइव दर्शन पूरे भारतवर्ष में सभी भक्तों को प्राप्त होगा। जिस तरीके से देखा भारत सरकार की तरफ से भी 360 मंदिर को चुना गया, और उसमें से ये प्राचीन मंदिर कल्याणी देवी का भी है। जी आशीष, आपके पीछे कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। जी आप यहाँ पे आके, अब माँ चंद्रमा दिन है और आप यहाँ पे दर्शन करने आए, तो क्या मनोकामना लेके आए, क्या माँ से मांगा, पूजा अर्चना करेंगे आप?
हम सभी लोगों से चाहेंगे कि परिवार की सुख समृद्धि बनी रहे और लोगों की सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे इस देश में एकता बनी रहे, भाव बना रहे, और यही हमारी कामना है। देखा यहाँ श्रद्धालु अपने तो साथ साथ देश की भी अभी समृद्धि की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबूजी आप यहाँ पे आज चंद्रघंटा, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, यहाँ पे आप यहाँ पूजन अर्चन कराए, तो क्या आपने मनोकामना की, किस तरीके से आपने पूजा अर्चन की? हम यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, माँ कल्याणी के दर्शन करते हैं और उनसे इच्छा करते हैं, उनको इतनी शक्ति दे कि आपको हमको वो दर्शन मिल सके आपका, और परिवार सब सुखमय रहे। और कोई इस तरीके से देखा सब ही अपनी घर की सुख संबंधी के लिए और देश के लिए ये मनोकामना माँ के पास आए हैं। माँ के नवरात्रि के दिन में खास तौर पे ये माना जाता है कि माँ का दिन होता है और नवरात्रि पे जो भी माँ से मनोकामना सच्चे हृदय से की जाती है वो पूरी होती है। जी जी, तो हमारे संवाददाता आशीष भट्ट प्रयागराज से आपको माता रानी के लाइव दर्शन करवा रहे थे। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।